हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर वन के यूनिट सिक्स, दैट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में। आज आपका पेपर है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अच्छे से पेपर दे करके आइएगा। ऑलरेडी मैंने ना 1 से 5 तक के यूनिट के सभी क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये आपका यूनिट 6 है एंड इसके बाद आपको यूनिट 7 की भी वीडियो मिल जाएगी। आई एम वेरी बिजी इन माई फ्रेंड्स मैरिज एक्चुअली, और मेरे दोस्त की शादी हो रही है एंड आई एम हियर एक्चुअली। तो यूनिट 8 का मुझे नहीं पता, हो सकता मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस मैं यूनिट 8 से रिलेटेड भेज दूँ, तो वहां आप देख लेना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करके यूनिट 8 भी पढ़ा दूंगी, मतलब आपको प्रोवाइड कर दूंगी 30 क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लेट मी गिव यू अ इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, देखिए अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये, आप इसको ना हमारी बॉडी में अगर देखो तो बहुत ही ज्यादा असेंशियल रोल प्ले करता है। दोनों ही, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इससे होम्योस्टेटिस बना रहता है और हमारी लाइफ को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड इंटू न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो फूड से जो न्यूट्रिएंट बन रहा है ये हमारा क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है इस फूड को, ठीक है। ये जो फूड बन रहा है, इस फूड को बॉडी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है ना। कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि ये जो फूड था ये एक्चुअली में आप देखोगे ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। ये फूड जो था ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये, इसने क्या किया, इसको न्यूट्रिएंट मतलब कि सिंपल चीजों में ना तोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल चीजों में तोड़ करके पूरा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कराने का काम ये डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, ठीक है। खाना हमारे माउथ में एंटर करता है, ठीक, वहां पे इसे चीव किया जाता है, चबाया जाता है, मिक्स होता है ये सलाइवा के साथ एंड यहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, फिर आप बताओ ईसोफेगस तक जाता है। ओ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ई से भी स्टार्ट कर सकते हो ईसोफेगस की स्पेलिंग। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो, जिसमें जो फूड होता है वो मूव करता है माउथ से लेकर के स्टमक तक, ठीक है। तो एक्चुअली माउथ और स्टमक के बीच का ये जो पाइप होता है जो इन्हें जोड़े रखता है, उसे हम ईसोफेगस कहते हैं। ओके, और पेरिस्टेल्सिस के मूवमेंट से एक वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, सीरीज ऑफ वेव वेव लाइक मसल कॉन्ट्रेक्शन। इससे जो खाना है ना वो हमारे इस स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। अब स्टमक में खाना पहुंच गया तो स्टमक क्या है, एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जहां पर फूड को चर्न किया जाता है, ठीक है। उसे चर्न किया जाता है मतलब जैसे होता है ना कि आपने कभी गेहूं आटे के लिए दिया है कि गेहूं को पीसना, तो वैसे इसे भी चर्न किया जाता है यहाँ पे और मिक्स किया जाता है गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें आपके एसिड्स आ गए, एचसीएल, एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन। और फिर क्या होता है कि यही जो चर्निंग वाली प्रोसेस है, इस दौरान पे जितने भी आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को तोड़ा जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यहाँ से जो खाना है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट होती है हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की। यहाँ आपको तीन पार्ट दिखाई देते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, है ना, एक होता है जेजेनम और एक होता है ईलियम, ठीक है, DJI, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड ईलियम, जहां पर एंजाइम जो है फर्दर फूड को ब्रेक करती है। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको विलाई नामक एक पार्ट भी दिखाई देगा जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए काफी जगह बनाती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे कि ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट काफी आसानी से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर साथ ही साथ में लीवर का भी काम चलता रहता है। ओके, लीवर जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
ये क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल जो है ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, और फैट से मिला न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को पहुंचाने का काम ये पूरा हमें लीवर करते हुए दिखाई देता है। फिर आगे पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज भी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। पैनक्रियाज का क्या काम होता है, तो ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम बाइकार्बोनेट्स, जो कि हमारे स्टमक को, जो स्टमक के एसिड होते हैं HCl वगैरह, उसे ये न्यूट्रलाइज कर देता है। वहीं अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सॉल्ट, जो भी इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर्स होते हैं, इन सब में से पूरा का पूरा वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और सॉलिड वेस्ट जो फीसेज है, जो आपकी पॉटी होती है, वो बन जाती है। फिर यहाँ रेक्टम और एनस से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, आपकी बॉडी से इवेंचुअली बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये सारे कार्य थे हमारे पूरे के पूरे, एक ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हालांकि आपके क्वेश्चंस इन सब बेसिक चीजों से अलग होगा, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करनी है, सो यू हैव टू लाइक अवेयर विद द बेसिक थिंग्स ना, एक टॉपिक के बारे में। तो ये मुझे बेसिकली बताना था आपको, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, बताइए। देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी छोटी आंत होती है ना, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन का पार्ट होता है ये, और पूरा का पूरा जब डाइजेशन ही यहीं पे हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी न्यूट्रिएंट का यहीं पर होगा। दैट इज व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा हमें एमाइलेज नामक जो मुख्य एंजाइम है वो निकलते हुए सिक्रीट करते हुए दिखाई देता है। और सबसे पहला जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन की प्रोसेस, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होने लगती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने लगता है, तो वहीं से हमारा डाइजेशन जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन कराना ही बाइल का काम होता है, डाइजेस्ट कराना। ठीक है, इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि उसे डाइजेस्ट कराओ और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराओ। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है ये लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रीटेड बाई विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनॉल? सो द राइट आंसर इज स्टमक। अच्छा, कैन यू टेल मी विच विटामिन इज नॉट लाइक डाइजेस्टेबल बाई आवर बॉडी, है ना, वो हमेशा यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल विटामिन, लाइक सॉरी नॉन एसेंशियल, एसेंशियल नहीं, वाटर सॉल्यूबल एंड वाटर इनसॉल्यूबल, बताना जरा विटामिन का मुझे नेम। ओके, विच ग्लैंड इज नन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा लीवर। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर है। कैन यू टेल मी द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी में है? अब इससे बेसिक क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सकती हूँ, ये क्लास 5 या 6 का क्वेश्चन होगा कि आपके लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस? तो गैस्ट्रीन इज द राइट आंसर। नाउ विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट चिकेनॉल हैज विलाई? अभी मैंने आपको पढ़ाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो है वो पाया जाता है। Which of the following is not a function of the pancreas? तो pancreas के इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? देखो, pancreas इंसुलिन का भी सिक्रीशन करता है, ग्लूकागॉन का भी करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी करता है, बट प्रोडक्शन ऑफ बाइल ये कार्य है हमारे लीवर का। एंड जब नॉट हो तो यू हैव टू सर्कल द नॉट पोर्शन। ठीक है, नॉट पोर्शन को हमेशा सर्कल करना है और उसके बाद ही क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, तो इस वजह से मैं नॉट वाले पे अभी नहीं सर्कल कर रही हूँ, बट आपको अभी नॉट पे सर्कल करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाइल का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। विच पार्ट ऑफ द स्टमक स्टोर फूड टेम्पररी? तो फूड को टेम्पररी हमारा फंडस रीजन जो है वो स्टोर करता है। द रिदमिक, अच्छा ये स्टोरिंग जो है ना, ये 4 आवर्स के लिए हो सकती है। लाइक 4 आवर में आई थिंक आपका खाना जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है। स्टोरिंग की प्रोसेस भी आई थिंक 4 आवर ही रहती है। ठीक है, तो ये चीज, वैसे ये तो अनयूजुअल कोई चीज थी, बताना तो था नहीं है। चलिए, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन द एलिमेंट्री केनॉल इज पेरिस्टेल्सिस, है ना, मैंने अभी आपके साथ ये डिस्कस किया। ओके, नाउ इन ह्यूमन द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज एल्वेलाई। ठीक है,
विच ऑर्गेन ऑर्गेनिज्म यूजेस इट स्किन्स फॉर रेस्पायरेशन? सो चलिए एक बार रेस्पायरेशन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, तब बात करेंगे। देखिए रेस्पायरेशन जो है ये भी ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा। इसका बेसिकली काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज का, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। अच्छा मैंने गैसियस एक्सचेंज लिखा, क्या ये लिटरली एक रेस्पायरेशन को डिफाइन कर रहा है? टेल मी टेल मी, क्या ये लिटरली डिफाइन कर रहा है रेस्पायरेशन को? बिल्कुल नहीं। देखिए जब हम केवल से केवल गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो इट इज ब्रीदिंग, है ना, इट इज ब्रीदिंग कि आप ऑक्सीजन ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो, ठीक है, इट इज ब्रीदिंग। बट जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 छोड़ रहे हो और उस दौरान पे आप खाना जो है उससे आपको एनर्जी मिल जा रही है तो हम इसे कहते हैं रेस्पायरेशन। सो गेटिंग माई पॉइंट, वॉट इज रेस्पायरेशन? समझ आ रहा है कि अगर मैं सिर्फ इन एंड आउट की बात करूं कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो इट इज एक्चुअली योर ब्रीदिंग, बट व्हेन यू गेट द एनर्जी, ठीक है, व्हेन यू गेट द एनर्जी ड्यूरिंग ब्रीदिंग तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रेस्पायरेशन। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, बच्चे रेस्पायरेशन को ना इस तरीके से बोल देते हैं कि हाँ भाई हम CO2 छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, एंड दिस इज रेस्पायरेशन। बिल्कुल नहीं, रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। गेटिंग माई पॉइंट, इट इज एसेंशियल, एक्चुअली इट इज एसेंशियल फॉर आवर मेंटेनिंग आवर लाइफ, है ना, ग्रोथ रिपेयर मेंटेनेंस। एरोबिक रेस्पायरेशन भी हो सकता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन भी हो सकता है, ठीक है। एरोबिक आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के लाइक प्रेजेंस में होगा, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर मान लो कि एरोबिक रेस्पायरेशन है, ठीक है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। मान लो कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पायरेशन है, तो अभी मैंने आपको बोला कि एरोबिक रेस्पायरेशन में आपके पास ऑक्सीजन होगा, है ना, आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो मान लो कि यू हैव ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन। इफ आई टॉक अबाउट द एनएरोबिक रेस्पायरेशन, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा, है ना, एंड इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। जितना एनर्जी आपको एरोबिक रेस्पायरेशन में मिल जाएगा ना, उतना एनर्जी आपको इसमें नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ रेस्पायरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला जो पार्ट हमारी बॉडी का जुड़ा है इस रेस्पायरेटरी सिस्टम में, वो है नोज, ठीक है, नोस्ट्रिल, नोज या माउथ से। माउथ आप जानो, कभी कभी लोग सांस लेते हैं तो नाक से भी लेते हैं एंड मुंह से भी लेते हैं, ठीक है। तो नोज या माउथ से जो वाटर है वो एंटर करता है, ओके, फिल्टर्ड होता है, वार्म्ड होता है, मॉइश्चर्ड होता है। उसके बाद ये ट्रैकिया जो कि हमारा विंड पाइप है वहां तक जाता है। ट्रैकिया जो एक ट्यूब लाइक होता है जो कि एयर को कंडक्ट करता है लंग्स तक लेकर के जाता है। ये लाइंड होता है सीलिया से और म्यूकस से, इसलिए ये लाइंड होता है ना कि अगर मान लो कि हम एयर ले रहे हैं, ठीक है, हम एयर इनहेल कर रहे हैं, तो इस एयर में कभी कभी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हो जाते हैं, कोई कोई पैथोजेंस भी हो जाते हैं। तो जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, उसमें आपको सीलिया वगैरह और म्यूकस वगैरह देखने को मिलेगा जो कि क्या करेंगे, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पैथोजेंस को ना कैद कर लेंगे। कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा तो वो उसमें चिपक जाएगा ना म्यूकस में, या सीलिया पकड़ लेगा। तो इसीलिए विंड पाइप में सीलिया और म्यूकस जरूर होता है। फिर नॉस्ट्रिल से ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से जो सांस आपने जो ली है वो ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंकाई से लंग्स में आएंगे। ब्रोंकाई देखो दो तरीके की होती है, एक छोटी वाली ब्रोंकियोल्स होती है, बड़ी वाली को आप ब्रोंकाई बोल सकते हो। फिर लंग्स तक आएगा, मेन ऑर्गन हमारा रेस्पायरेशन का लंग्स होता है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड में छोड़ दिया जाता है, एल्वेलाई, ठीक है, इनटू द एल्वेलाई। फिर एल्वेलाई क्या है, टाइनी एयर शैक है, पाउच होते हैं, एक गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर आप मान सकते हो, जहां पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया जाता है। और इन सब के दौरान,
इन सब के दौरान हमारे मैमल्स में कभी भी लंग्स अकेला नहीं होता है, वो हमेशा होता है डायफ्राम के साथ। तो एक लार्ज मस्कुलर डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। दोनों ही हमारे प्रोसेस, अगर डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूँ ना, तो ये हमारे इंटरनल बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ना इंटरेक्शन का आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से इंटरेक्ट करा रहे हैं। एक्सटर्नल चीजें देखो, खाना पानी है ना, उसे हम ले रहे हैं तो वो डाइजेस्टिव हो गया। वही जो हवा है, जब उसे हम ले रहे हैं तो वो हमारा रेस्पिरेटरी हो गया। तो इंटरनल बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जोड़ने का काम आप देखते हो कि डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी बहुत अच्छे से करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनिज्म यूजेज इट स्किन फॉर रेस्पिरेशन। देखो, अगर रेस्पिरेशन की डिफरेंट टाइप की मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि कई जगह पर आपको लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखाई देगा, कई जगह आपको स्किन एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखाई देगा, कहीं आपको गिल्स दिखाई देंगे। तो ये डिफरेंशिएट होता है। अगर मैं आपको एक समराइज वे में मैं इसको लिखवाऊं या बताऊं, तो नोट डाउन कर लो या फिर बस सुन लो। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं मैमल्स की, तो जनरली हम क्या करते हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, मैमल्स में आप देखते हो कि रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। ठीक है, वहीं पे जब हम फिशेस की बात करते हैं, पाइसेस की बात करते हैं, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, इनमें गिल्स पाई जाती हैं। ओके, वहीं अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, तो एम्फीबियंस में आप देखते हो जो उभयचर होते हैं, इनमें आप देखते हो कि रेस्पिरेशन, जो श्वसन क्रिया होती है, वो उनकी त्वचा से भी हो सकती है और उनके फेफड़ों से भी हो सकती है। तो स्किन एंड लंग बोथ। वहीं अगर हम इंसेक्ट की बात करें, तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि यहाँ पर एक अनदर टर्म होता है, ट्रैकिया। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में आप देखते हो कि जो ट्रैकिया होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एयर डायरेक्टली टू देयर टिश्यूज। ठीक है, ट्रैकिया की ओपनिंग होती है आउटसाइड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, जिसे कि हम स्पाइरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ये स्मॉल ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, तो ये इंसेक्ट में ही पाया जाता है। रेप्टाइल्स में अगर मैं बात करूं, तो रेप्टाइल्स में भी आप देखोगे कि लंग्स के ही थ्रू हो रहा है। ठीक है, रेप्टाइल्स मैमल्स। बर्ड्स में अगर मैं बात करूं, तो बर्ड्स में भी लंग्स के थ्रू होता है। एडिशनल यहाँ पे आपको एयर सैक दिखाई देता है, छोटे छोटे पाउचेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनसे कि रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होती है। तो यहाँ स्किन पूछा गया है, और स्किन जो है वो एम्फीबियंस में आपको देखने को मिलता है कि एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेशन है, जो उभयचर है, इनमें त्वचा के माध्यम से जो श्वसन क्रिया है वो होती है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गिल्स इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म? तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो गैसियस एक्सचेंज है, नॉन अदर नेम फॉर रेस्पिरेशन एक्चुअली, तो उसके लिए इनका प्राइमरी फंक्शन होता है। द ट्रैकियल सिस्टम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ, कहाँ पाया जाता है ट्रैकियल सिस्टम? अभी पढ़ाया आपको कि इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द लंग्स? तो सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन हमारी एल्वोलाई की। इन बर्ड्स विच स्ट्रक्चर सर्व्स एज एयर रिजर्वायर फॉर कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन? अभी मैंने बोला कि एयर शैक पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारे बर्ड्स में पाए जाते हैं। फिशेज विथ एसेशरी रेस्पायरेटरी ऑर्गन कैन सर्वाइव इन? सहायक श्वसन अंगों वाली मछलियों किस स्थान पर जीवित रह सकती हैं? तो वाटर विथ लो ऑक्सीजन लेवल पे वो रह सकती हैं, जहां ऑक्सीजन लेवल कम हो, क्योंकि एक्चुअली ऑक्सीजन ही तो हम इनहेल कर रहे हैं। तो अब इनके पास एक एसेसरी रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, तो उससे वो काम चला लेती हैं, जहां ऑक्सीजन कम हो आराम से रह लेती हैं। विच रेस्पायरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन टैडपोल बट एबसेंट इन एडल्ट फ्रॉग? गिल्स। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? तो एपिग्लॉटिस। ठीक है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज हीमोग्लोबिन, HB। यू ऑल नो HB क्या है? प्रोटीन है ना, एक याद रखना। विच एनिमल यूजेस बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन? तो ये हमारे फ्रॉग में आता है। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू द स्किन इज कॉल्ड क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। उसके बाद द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल, तो मैमल में आप जानते हो कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो है वो होता है, गलफड़ा के द्वारा नहीं होता है बाबा, फेफड़े के द्वारा होता है। विच फिश इज नन फॉर यूजिंग लंग्स फॉर रेस्पिरेशन? तो लंग फिश, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एयर शैक इन बर्ड? तो एयर शैक जो होता है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, क्योंकि जब चिड़िया उड़ रही होती हैं तो उस टाइम पे उनका सांस लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, तो उनके पास ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, स्टोर होकर के रहना चाहिए। तो जो एयर शैक पाया जा रहा है वो उसे बहुत अच्छे से उड़ान के दौरान ना उसे संग्रह करके रखती है ऑक्सीजन को। रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो होता है वो अर्थ अर्थवॉर्म में कौन सा होता है? तो अर्थवॉर्म में हमारे जो स्किन होती है त्वचा, उसके थ्रू थ्रू ही वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन इन द ब्लड ऑफ फ्रॉम एल्वोलाई कॉल्ड? द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, कोई यहाँ पे फैसिलिटेटिव वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई प्रोटीन का कोई कैरियर कुछ नहीं बीच में आता है, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है एल्वोलाई के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन यूज बोथ लंग्स एंड स्किन फॉर रेस्पिरेशन? तो एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के पास दोनों होता है। फिर विच एनिमल यूजेस बुक लंग्स फॉर रेस्पिरेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। सो स्पाइडर इज द राइट आंसर। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। ओके, सो दीज आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन एंड डिस्कशन फ्रॉम योर दिस यूनिट। आई होप दिस वीडियो विल गोना हेल्प यू, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक टू दिस वीडियो। प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास, कलीग्स के पास, जूनियर सीनियर सबके पास इस चैनल को पहुंचाइए, और जल्दी से जल्दी 50K करा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। बाय बाय।